हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमएस मोहित बिंद। तो आज मैं आपके लिए दो गुड न्यूज लेके आया हूं दोस्तों। चलिए पहले गुड न्यूज जो सबसे छोटी है उसे बता देता हूं। तो पहले गुड न्यूज ये है दोस्तों कि जैसे आपको पास बहुत ढेर सारे सिम होंगे, ठीक है, तो कभी क्या होता है कि जैसे हर जगह गली चौराहे पर आप देखते होंगे कि पोर्टिंग का बोर्ड लगा रहता है कि नंबर पोर्ट कराइए, फ्री में पोर्ट कराइए या 100 रुपये 50 रुपये जो भी कराइए और इतने महीने तक, 1 महीने 2 महीने तक डाटा और कॉलिंग सब फ्री पाइए। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तब आती है जब उसको पोर्ट कराने के लिए जाते हैं तो आप पिछले कई महीने से उस सिम को रिचार्ज नहीं कराए होते हैं। जब रिचार्ज नहीं कराए होते हैं तो जब पोर्ट के लिए SMS भेजते हैं तो वो SMS नहीं आता है, तो फिर से आपको एक रिचार्ज करना पड़ता है, जो कि कंपनियां नॉर्मल SMS रिचार्ज पैक खत्म कर चुकी हैं, आपको भी पता है। तो कभी कभी तो आपको मतलब एक नॉर्मल रिचार्ज जो होता है मंथली वही पूरा कराना पड़ता है, तब जाके आप SMS भेज सकेंगे। तो दोस्तों दूर संचार विभाग ने इसे अब खत्म कर दिया है, ठीक है, उसने सीधे सीधे आदेश जारी कर दिया है कि अब मतलब पोर्ट के लिए SMS आपका जाएगा। ये जारी तो दोस्तों 9 दिसंबर 2021 से ही हो गया है, लेकिन दोस्तों मैं 10 दिसंबर को अपना एक सिम पोर्ट BSNL में कराने गया था जो कि मेरा जियो का सिम था, उसमें रिचार्ज नहीं था, तो मैंने पोर्टिंग के लिए भेजा बट वो गया नहीं दोस्तों। तो आपको भी पता है इंडिया में जैसे नियम कानून तो बन जाते हैं दोस्तों, डेट भी फिक्स हो जाती है कि इस डेट से लागू होगा, लेकिन जैसे कि उसमें ऑपरेटर लोग जो होंगे अभी उसको अपडेट करने में टाइम लगेगा दोस्तों। तो मान के चलिए अब जब भी मेरे ख्याल से 10 दिन 20 दिन 1 महीने के अंदर ये काम हो जाएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। आप आसानी से आपका सिम कितना भी दिन से पड़ा हो बस उसमें नेटवर्क आना चाहिए। आप नॉर्मल पोर्टिंग के लिए 1900 पर जब पोर्ट के लिए आप यूनिक कोड मंगाएंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा रिचार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। ये तो थी पहली न्यूज दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज की। दूसरी न्यूज भी सिम से ही रिलेटेड है दोस्तों, जो कि 7 दिसंबर 2021 से दूर संचार विभाग ने लागू किया है। आप दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सारे अपने ID पे सिम लिए रहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, फालतू के कॉल करते हैं या किसी को भी ऐसे ही रॉन्ग नंबर डायल करके परेशान किए रहते हैं। और आपको भी पता है कितने क्राइम हो रहे हैं, बहुत सारे फर्जी कॉल, ठगी, इतना सब कुछ हो रहा है दोस्तों। तो ये सब एक इंसान कई सिम ले लेता है तभी ये काम कर सकते हैं, दूसरे के सिम पे करते हैं। तो दूर संचार विभाग ने इसके लिए भी नियम बना दिया है दोस्तों कि एक इंसान 9 से ज्यादा सिम नहीं रख सकता है। सभी ऑपरेटरों के आदेश दिया गया है कि जिन जिन यूजर के पास 9 से अधिक सिम है उन्हें नोटिफिकेशन भेजा जाए और उनसे मतलब सिम को बंद करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए बोला जाए कि आप इनमें से कौन सा सिम रखना चाहते हैं, कौन सा सिम नहीं रखना चाहते हैं। तो उसके लिए दूर संचार विभाग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कौन सा सिम कब बंद कर देना है और कब तक सिम चलेंगे। तो दोस्तों ट्राई ने जो पहला नियम जारी किया है उसके अनुसार जिन यूजर के पास 9 से ज्यादा सिम होगा उन्हें नोटिफिकेशन तो भेजा जाएगा, अगर उस नोटिफिकेशन को जवाब नहीं देते हैं कि इसमें से कौन सा चालू रखना है या कौन सा बंद करना है, ठीक है, तो ऐसे सिम की दोस्तों आउटगोइंग 30 दिन के अंदर बंद कर दी जाएगी, ठीक है, जबकि इनकमिंग कॉल को 45 दिन के अंदर बंद करने का आदेश ट्राई दिया है, ठीक है। और एक्स्ट्रा सिम है तो आप उसे मतलब सरेंडर भी कर सकते हैं। सरेंडर क्या करेंगे दोस्तों, मतलब आप वही मतलब उसको बंद करा सकते हैं, बंद करा दीजिए जो भी एक्स्ट्रा आपके पास अगर 9 से अधिक है तो, ठीक है। अगर दूसरे नियम की बात किया जाए दोस्तों तो अगर मान लीजिए आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है लेकिन आप वेरीफाई नहीं करते हैं तो फिर कंपनी अपने हिसाब से जो उसे समझ में आएगा आपका सिम को 60 दिन के अंदर बंद कर देगी। तो बेहतर ये होगा दोस्तों अगर आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपके पास 9 से अधिक सिम है तो आप उनमें जो जो सिम पहले से फालतू पड़े उन्हें बंद करा दीजिए। तीसरे निर्देश की बात करें दोस्तों तो जैसे मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग होंगे जो भी विदेशों में होंगे, चाहे बीमार हैं, ठीक है, चाहे विकलांग व्यक्ति हैं, तो मतलब ट्राई ने उन्हें बोला है कि इन्हें 30 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल इंसान के लिए 30 दिन में उनका मतलब आउटगोइंग बंद करने का आदेश है तो इन्हें मान के चलिए 60 दिन, 60 दिन के अंदर अगर वो कोई बीमार व्यक्ति है या फिर इंडिया से बाहर है या फिर विकलांग है तो वो 60 दिनों के अंदर ऐसा करा सकते हैं, जो भी अपना एक्स्ट्रा सिम है उसे बंद करा सकते हैं, ठीक है। और चौथा नियम है दोस्तों अगर मान लीजिए किसी एजेंसी के तरफ से या फिर बैंक के तरफ से या कोई वित्तीय संस्थान है जो किसी पर्टिकुलर नंबर को लेके मतलब शिकायत करता है, ठीक है, कि ये मतलब कि इस नंबर से मतलब परेशान किया जा रहा है लोगों को, चाहे जो कुछ भी, कि हम यहाँ से कर्मचारी बोल रहे हैं, बैंक से कोई बैंक शिकायत करते किसी नंबर को, तो ऐसे सिम के आउटगोइंग को दोस्तों 5 दिनों के भीतर बंद करने का आदेश ट्राई दिया है और इनकमिंग कॉल को 10 दिन की अंदर बंद करने का, जबकि सिम को पूरी तरह से 15 दिन के अंदर बंद करने का आदेश दिया है। अगर पिछले नियम की बात करें दोस्तों तो पिछले नियम में कोई पाबंदी नहीं थी, लोग बहुत सारे सिम मतलब रख सकते थे, ठीक है, इंडिया में बस खाली कुछ हिस्सों को छोड़ दिया, जैसे जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में दोस्तों जैसे कि मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब हो गया, नागालैंड, ऐसे राज्य पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं,
तो वहां पे मतलब पांच और छह, कहीं कहीं पांच दोस्तों दिखा रहा है, मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया, कहीं कहीं छह सिम दिखा रहा है। तो मैक्सिमम हम मान के चलते हैं छह सिम, मतलब छह सिम जम्मू कश्मीर असम और पूर्वोत्तर राज्यों में मात्र छह सिम रखने का आदेश थे। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि ये नियम 7 दिसंबर से ही लागू हो गया है, 7 दिसंबर 2021 से। लेकिन दोस्तों देखते हैं लागू होने में कितना टाइम लगता है। मेरे पास खुद मतलब 9 से ज्यादा सिम पड़े हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन जब से न्यूज मिली है मैंने अपने 3 सिम लगभग बंद करा दिए हैं। बाकी और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मतलब उसमें से चूज कर रहा हूँ कौन कौन सा नंबर बंद करना है। दोस्तों अगर आपके पास भी अगर 9 से ज्यादा सिम है तो आप उसमें से चूज कर लीजिए, देख लीजिए कौन कौन सा सिम आपको रखना है, कौन कौन सा सिम बंद कराना है। अब नॉर्मल इंसान कितना भी हो जाए दोस्तों, बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो सिंगल सिम यूज करते हैं, वरना कम से कम 2 सिम तो सबकी यूज करता है। मैं दोस्तों कितना ही बंद करा लूंगा, मान के चलिए 6-7 सिम तो मुझे यूज मैं तो यूज कर ही पाऊंगा, क्योंकि नॉर्मल भी मैं यूज करता हूँ तो मेरे पास 2-3 मोबाइल हैं, तो मान के चलिए 4 सिम तो मैं नॉर्मली यूज करूंगा। बाकी एक आध दो एक्स्ट्रा रखना पड़ता है कुछ वीडियो बनाने के लिए, इधर उधर मतलब थोड़ा सा जांच पड़ताल करना पड़ता है दोस्तों वीडियो में, कुछ भी कहीं दूसरे ऐप पे कुछ भी लॉगिन वॉगिन करके, तो इसलिए एक्स्ट्रा सिम तो रखना पड़ता है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कितने सिम की जरूरत है, ये तो मेरी आवश्यकता थी मैंने बता दिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी भी कोई राय हो और इसके बारे में कोई जानकारी हो तो हमें कमेंट में बताएं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट आप पूछ भी सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और घंटे के आइकान को जरूर दबा लें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।